Hello friends, welcome you all in my YouTube channel Solution of Civil Services. Today I am continuing the series 65th BPSC top 1000 question. Last ke videos mein hum logon ne question number 125 dekha tha. Aaj hum log start karenge 126 se. और ये वीडियो इसलिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस हो जा रही है जस्ट बिकॉज ऑल दिस क्वेश्चन ऑलरेडी आस्क्ड इन प्रीवियस बीपीएससी एंड अदर एग्जामिनेशन. और आपको एक एक सीरीज और है जो कि मेरी यूपीएससी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की है, उसको ज़रूर देख लीजिए क्योंकि यूपीएससी के जो क्वेश्चंस होते हैं वो डायरेक्टली जो बीपीएससी में हमेशा पूछे जाने का एक ट्रेंड बना हुआ है. और इससे क्या होता है कि आपका अगर यूपीएससी के सारे क्वेश्चन आप अगर क्लियर देख लिए होते हैं तो आपका एक कॉन्सेप्ट भी क्लियर होता है. जस्ट बिकॉज वो जो वीडियो है उसमें आपको कॉन्सेप्ट अर्थात ब्रीफ जो एलिब्रेशन ऑलरेडी उसमें किया गया है आंसर का, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और साथ में आंसर भी क्लियर हो जाएगा जिससे अपकमिंग यूपीएससी में आपको हेल्प हो जाएगी. और ये जो सीरीज है आपको ऑलरेडी यूपीएससी पूछा जा चुका है तो ये इसके भी कुछ क्वेश्चन जो हैं जो जरूर कर आपको एक आपका एक बेस आपका बेस है वो मजबूत हो जाता है. और इसके अलावा बस आपको दो ही पोर्शन और तैयारी करने होंगे. एक होगा आपका जो बिहार करंट अफेयर्स और एक हो गया कि बिहार की का भूगोल ज्योग्राफी और बिहार की कला एवं संस्कृति और बिहार का इतिहास, ये आपको कंप्लीट करना रह जाएगा. तो जो आपकी जो अपकमिंग बीपीएससी एग्जामिनेशन है वो आपका टेंटेटिव डेट ऑफ एग्जामिनेशन होगा आपका जो 7 सितंबर के एंड में हो जाएगा और नोटिफिकेशन आपके जुलाई में आ जाएंगे. तो आपको वेट नहीं करना नोटिफिकेशन का, आप अभी से सारे वीडियोस को क्लियर करते देते देखते चले जाइए. और सब्जेक्ट वाइज आपका जो है यूपीएससी के सीरीज में अवेलेबल हो ही जा रहा है और आपका बीपीएससी का इससे आपका कंप्लीट हो जाएगा. तो दोनों मिला के दोनों वीडियो ज़रूर देखिए और एंड तक देखिए हर वीडियो को जस्ट बिकॉज सारे क्वेश्चन आपके हाँ सारे क्वेश्चन इम्पोर्टेंस है और एक एक क्वेश्चन एक एक मार्क्स आपके लिए आपके जगह को मजबूत बनाता है 65th बीपीएससी में. तो चूंकि ऐसा भी हुआ था अभी कि जब आंसर की जब बीपीएससी ने अपलोड किया तो जिन स्टूडेंट का 100 मार्क्स आ रहा था जब क्वेश्चन रिजल्ट में उनका जस्ट 96 आ गया 95 आ गया 95 आने से वे लोग उसके मेंस के लिए पास डिक्लेयर नहीं हो पाए. तो और जबकि उसमें आपका जो कट ऑफ था वो आपका जनरल का 97 था. तो एक दो मार्क्स भी बहुत ही इम्पोर्टेंस रखता है, इसलिए एक क्वेश्चन ज़रूरी है आपके लिए याद रहना. वीडियो को सिंसियरली एक बार देख लीजिए और रिवीजन के लिए एग्ज़ाम से बिफोर एक बार देख लीजिएगा. और यूपीएससी वाला जो प्रीवियस क्वेश्चन का जो आप वीडियोस है वो ज़रूर देख लीजिए. उसमें आपको सब्जेक्ट वाइज लाइक एंशियंट हिस्ट्री और मिड अभी आपको मीडिएवल हिस्ट्री का वीडियो अपलोड हो रहा है तो वो देख लीजिए. फिर आपको कंटिन्यूसली सब्जेक्ट वाइज आपको सारे वीडियो अवेलेबल हो जाएंगे. तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 126 से. इख्तियारुद्दीन बिन बख्तियार खिलजी ने बिहार पर एक सफल आक्रमण कब किया था? तो यह था 1203 में जब उस इख्तियार बिन बख्तियार खिलजी ने बिहार पर आक्रमण किया था. क्वेश्चन नंबर 127 बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन है? यह है राबड़ी देवी. फ्रेंड्स क्वेश्चन को पहले जब भी आप आंसर करते हैं तो ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे कि आपको पूछा क्या जा रहा है. कभी कभी हम लोग हड़बड़ में पहली मुख्यमंत्री पढ़ लेते हैं महिला चो स्किप कर जाते हैं या फिर पहले प्रथम आपको ध्यान नहीं देते. मतलब आपको क्वेश्चन जो भी लिखा हुआ है उसको सिंसियरली पढ़िए किस चीज़ के बारे में पूछा जा रहा है. बहुत बार ऐसा जो आपका रीजनिंग और मैथ के क्वेश्चन में हम लोग ध्यान नहीं देते हैं या फिर पूछा जा रहा है और उसमें पूछा जा रहा है इनमें से कौन ऑप्शन नहीं है और इसमें से कौन ऑप्शन है उनको पे हम लोग आंसर कर देते हैं. तो ये क्वेश्चन जब भी कीजिए बहुत सावधानी से पहले क्वेश्चन पढ़िए और तब जाके आंसर कीजिए. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मगध शब्द का प्रथम प्रयोग उल्लेख कहाँ मिलता है? तो यह आपका अथर्ववेद में मगध शब्द का प्रथम उल्लेख मिलता है. 1857 की क्रांति की नेता कुंवर शेख की मृत्यु कब हुई थी? यह 9 मई 1858 को हुई थी. तो वीर कुंवर सिंह के बारे में और भी क्वेश्चन आते हैं जैसे 1857 में बिहार से प्रमुख
नेता कौन रहे हैं जिनका प्रमुखता से योगदान रहा है 1857 की क्रांति में। फिर आपको मेंस में से कुछ पूछा क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है कि वीर कुंवर सिंह के योगदान का आलोचनात्मक वर्णन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इलाहाबाद प्रशस्ति की रचना किसने की थी? तो ये थे हरिश्चंद्र, जिसने इलाहाबाद प्रशस्ति की रचना की थी। क्वेश्चन नंबर 131, बिहार के किस जिले में सबसे कम परिवार गरीबी रेखा के नीचे गुजर बसर करते हैं? तो यह सिवान जिला हो गया, जहाँ पर बिहार में सबसे कम गरीबी रेखा से गुजर बसर करने वाले लोगों की संख्या सबसे कम है। इल्तुतमिश ने बिहार में किसे अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था? तो इल्तुतमिश ने मलिक जाने को बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शिशुनाग की मृत्यु के पश्चात कौन मगध की गद्दी पर बैठा? तो यह थे कालाशोक, जिसे काकर्ण भी कहा जाता था, जो कि शिशुनाग की मृत्यु पर मगध की गद्दी पर बैठा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 134, ईसा पूर्व 6 शताब्दी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? तो यह वैशाली में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था थी। प्रख्यात कवि विद्यापति कहाँ के निवासी थे? यह बेनीपट्टी मधुबनी जिले के निवासी थे। 1905 ईस्वी के में बंगाल विभाजन के बाद किस आंदोलन की शुरुआत हुई? तो 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन के पश्चात स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई। क्वेश्चन 137, बंगाल से बिहार को पृथक करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले सच्चिदानंद सिन्हा बिहार, बंगाल एवं उड़ीसा लेजिस्लेटिव असेंबली के सदस्य कब बने? तो 1920 ईस्वी में बंगाल से बिहार को पृथक कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले सच्चिदानंद सिन्हा बिहार, बंगाल एवं उड़ीसा लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष सदस्य बने। क्वेश्चन नंबर 138, बख्तियार खिलजी की हत्या किसने और कब की थी? तो यह अली मर्दान खिलजी ने 1206 ईस्वी में की थी। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर जो 137 है, इसको देखिए, क्वेश्चन को पूछने का तरीका कभी कभी सिर्फ बदल जाता है, लेकिन क्वेश्चन होता है रिपीट जरूर होते हैं। जैसे बंगाल से बिहार को पृथक करने में किनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी, निम्न में से किनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी, तो ऑप्शन दिया रहेगा और उसमें एक सच्चिदानंद सिन्हा का भी एक नाम दिया रहेगा, उस तरह से आंसर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उसी तरह सच्चिदानंद सिन्हा बिहार, बंगाल एवं उड़ीसा में लेजिस्लेटिव असेंबली के सदस्य 1920 में बने थे, उनकी निम्न में इनकी किन कार्य में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है, तो आपको ऑप्शन एक दिया रहता है बंगाल से बिहार को पृथक कराने में। तो ये आपको क्वेश्चन जो है तोड़ मडोड़ के दिया जाता है, बट क्वेश्चन अक्सर है जो रिपीट होते हैं, और ये क्वेश्चन जरूर रिपीट होने वाले हैं, तो प्लीज़ इसको याद कर लीजिए, मेमोराइज करिए और वीडियो को पूरा देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या वृद्धि दर कितने प्रतिशत रही है? यह 25.07% रही है। जनसंख्या वृद्धि दर कभी कभी यह भी पूछा जाता है कि जनसंख्या वृद्धि दर किस वर्ष सबसे अधिक रही है, यह भी पूछा गया है क्वेश्चन पहले। तो 2011 की जनगणना, जो बिहार की जनगणना है, उसको पूरा आप जरूर याद कर लीजिए। एक वीडियो आपको अपलोड होगा जिसमें 2011 की जनगणना में बिहार की जनगणना आपको पूरा डिटेल से मिल जाएगा, उसको आपको रट जाना है, एकदम कंठस्थ कर लेना है। 2 से 3 क्वेश्चन हर बीपीएससी में पूछा जाता है अभी तक। क्वेश्चन नंबर 140, बख्तियार खिलजी ने कब लक्ष्मण सेन की राजधानी नदिया पर आक्रमण किया था? तो उसने 1203 से लेकर 4 में लक्ष्मण सेन की राजधानी नदिया पर आक्रमण किया था। क्वेश्चन नंबर 141 देखिए, बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध गृह त्याग के उपरांत कहाँ गए थे? तो वे अलार कलाम के आश्रम वैशाली गए थे, और इससे बौद्ध गौतम बुद्ध के उनके जन्म स्थल के बारे में, उनको वहाँ पे उन्होंने अपना शरीर त्याग कहाँ किया था, प्लस उनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आपको जरूर पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिहार में टीन खनिज किस जिले में मिलता है? तो यह गया जिले में मिलता है। क्वेश्चन नंबर 143, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में महिला साक्षरता दर कितने प्रतिशत है? यह 53.33% है।
ये 64 BPSC में ये क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसको याद रखें। ये आपका 64 BPSC में पूछा जा चुका है, हो सकता है अपकमिंग BPSC में आपको पुरुष साक्षरता दर पूछा जाए। तो 2011 की जनगणना आपको एकदम हर हालत में आपको रट जाना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? तो यह आपका ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में हुआ था, और मगध वध जो है, अभी लास्ट की लास्ट हम लोगों ने देखा कि मगध वर्ड जो है पहली बार कहाँ कहाँ पर आया है, तो इसके बारे में भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 145 देखिए, प्रसिद्ध दीदारगंज यक्षी की प्रतिमा का संबंध बिहार के किस संग्रहालय से है? यह पटना के संग्रहालय से है। और एक क्वेश्चन पटना संग्रहालय के बारे में एक क्वेश्चन पहले पूछा जा चुका है कि पटना संग्रहालय की स्थापना कब हुई। क्वेश्चन नंबर 146 देखिए, बहारिस्तान-ए- गैबी किसकी रचना है? यह मिर्जा नाथिन की रचना है। प्रभावती महिला मुख्यालय पुस्तकालय कहाँ स्थित है? यह आपका पटना में है। क्वेश्चन नंबर 148 देखिए, बिहार की प्राचीन यूनिवर्सिटी का नाम क्या है? यह आपका नालंदा विश्वविद्यालय है। और नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए प्रसिद्ध था? यह आपका पाली शोध संस्थान के लिए प्रसिद्ध था। तो नालंदा विश्वविद्यालय रिलेटेड क्वेश्चन एक दो क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 149, बरौनी तेल शोधक कारखाना कब स्थापित हुआ था? यह 1966 में स्थापित हुआ। देखिए बरौनी तेल शोधक कारखाना जो है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन है जो अलग अलग तरीके से पूछे जाते हैं, जैसे तेल शोधक कारखाना कब स्थापित हुआ, इसके पाइपलाइन के बारे में पूछा जाता है, फिर आपको इस परियोजना के बारे में डिटेल्स में पूछा जाता है। तो इससे बरौनी तेल शोधक कारखाना के बारे में भी एक बार डिटेल्स जरूर पढ़ लीजिए। बिहार का प्रथम अंग्रेजी पत्र समाचार पत्र कौन है? तो यह है आपका द बिहार हेराल्ड, जो कि बिहार का प्रथम अंग्रेजी समाचार पत्र है। तो यहाँ हम लोग आज ये आपका 126 लेकर 150 तक का क्वेश्चन था। नेक्स्ट के वीडियो में हम लोग देखेंगे 151 से लेकर 175, और इस तरह कंटिन्यू करते हुए हम लोग टोटल 1000 क्वेश्चन को हम लोग को कंप्लीट कर लेना है। और इन जिनको आप एक एक कर एक एक क्वेश्चन को आप अच्छी तरह से याद कर लीजिए, आपको नोट डाउन करने की ज़रूरत नहीं है, बस आप वीडियो देख लीजिए। और आपको PDF आपको अवेलेबल कर PDF आपको इस सीरीज के लास्ट में आपको PDF में आपको अवेलेबल करा दूंगी, जिससे आपका लास्ट मिनट रिवाइज करने के लिए हेल्प हो जाएगा। तो मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए, और मेरे चैनल के साथ ज़रूर बने रहिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।